बांग्लादेश की तरह ये मेरी सरकार भी गिराने की कोशिश चल रही है। आरजीकर अस्पताल पर हमले के पीछे भी वाम और राम का ही हाथ है कि क्या ममता बनर्जी इस घटना की वजह से भारी दबाव में है। आरजीकर अस्पताल की घटना के अभियुक्त को रविवार तक फांसी दे दी जाए। बांग्लादेश की तरह ये मेरी सरकार भी गिराने की कोशिश चल रही है। मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। इस घटना पर सीपीएम और भाजपा राजनीति कर रही है। आरजीकर अस्पताल पर हमले के पीछे भी वाम और राम का ही हाथ है। ये बयान किसी आम शख्स का नहीं बल्कि ये एक सीएम यानी कि ममता बनर्जी का बयान है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहां इस घटना ने पूरे देश के युवाओं में रोष पैदा कर दिया तो वहीं इस घटना पर जमकर राजनीति हो रही है। कोलकाता की इस विभत्स घटना के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी इस घटना की वजह से भारी दबाव में है। क्या उनको अपने सबसे बड़े वोट बैंक के बिखरने का खतरा नजर आ रहा है? क्या अपने तीसरे कार्यकाल में उनको पहली बार ऐसी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? अभियुक्त को फांसी की सजा की मांग को लेकर शुक्रवार शाम को ममता के सड़क पर उतरने से इन चर्चाओं और सवालों को और भी बल मिल गया है। अमूमन वो किसी घटना के विरोध में सड़क पर नहीं उतरी, चुनावी पदयात्राओं को छोड़ दिए तो आखिरी बार उनको एनआरसी और सीए कानून के विरोध में ही इस तरह सड़क पर उतरते देखा गया था। इस घटना के बाद जहां सरकार और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है तो वहीं रिक्लेम द नाइट की अपील पर राज्य के करीब 300 स्थानों पर महिलाओं के स्वतः स्फूर्त जमावड़े और विरोध प्रदर्शन के कारण उनके सबसे मजबूत वोट बैंक के बिखरने का भी खतरा पैदा हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में कोई चुनाव भले ही ना हो, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने और अगले विधानसभा चुनाव तक इसे जीवित रखने की कोशिश जरूर करेगा। ये कोशिशें शुरू भी हो गई हैं। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बात आज कोलकाता की हो रही है। ममता बनर्जी सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। भाजपा और सीपीएफ तो आक्रामक तौर पर उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां कर रही है। इसमें राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस नेता धीरंजन चौधरी शामिल है। ममता ने शुक्रवार शाम को कोलकाता के मोलाली से धर्मतल्ला इलाके तक करीब 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा की। पार्टी के तमाम सांसद और नेता उनके साथ इस पदयात्रा में शामिल थे। उन लोगों का एक ही नारा था कि दोषियों को सजा देनी होगी, उनको फांसी पर लटकना होगा। इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर और बैनर ले रखे थे और कुछ लोगों ने अपने गले में इसी मांग में तख्ती भी टांग रखी थी। ममता हाथ जोड़े सबसे आगे चल रही थी। अपने स्वभाव के अनुरूप ही वो बीच बीच में रुककर आम लोगों से बात भी कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अमूमन रहने वाले आत्मविश्वास के जगह चिंता की लकीरों ने ले रखी थी। ये कहना ज्यादा सही होगा कि पदयात्रा के दौरान ये लकीरें कुछ गहरी ही नजर आ रही थी। पदयात्रा के बाद ममता ने एक सभा को भी संबोधित किया। वहां अपने भाषण में उन्होंने विपक्षी दलों को सिंचाई के साथ ही सीबीआई जांच रविवार तक पूरी कर दोषियों को फांसी देने को भी मांग दोहराई है। विपक्षी दलों की खिंचाई की है। उन्होंने सवाल उठाया कि हाथरस, उन्नाव और मणिपुर में जब ऐसी घटनाएं हुई तो केंद्र ने कितनी केंद्र टीमों को वहां भेजा था। बंगाल में अगर किसी को चूहा भी काट ले तो केंद्र की 55 टीमें यहां आ जाती है। मुख्यमंत्री ने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि उन्होंने जांच पूरी करने के लिए 164 लोगों की विशेष टीम बनाई थी, रविवार तक का समय मांगा था। जांच की प्रक्रिया लंबी होती है और उसमें समय लगता है, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हुआ। इस पर राजनीति की गई और अब सीबीआई जांच कर रही है। रविवार तक जांच पूरी कर दोषी को फांसी की सजा दिलाएं। ममता ने अपनी सरकार की ओर से महिलाओं के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि एकमात्र उनकी पार्टी ने ही 38% महिलाओं को लोकसभा में भेजा है। नगरपालिका में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी परिवार के मुखिया के तौर पर घर की महिला का ही नाम है। महिलाओं के लिए कन्याश्री और रूपश्री जैसी तमाम योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर विपक्षी दलों खासकर वाम और राम यानी कि लेफ्ट और भाजपा पर इस पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। वैसे ममता बनर्जी सरकार पर ऐसी किसी घटना की लीपापोती का प्रयास करने के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। उनके सत्ता में आने के साल भर बाद यानी कि साल 2012 में कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। पीड़िता ने सामने आकर सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया था, लेकिन तब ममता ने इसे सजाया हुआ मामला कहा था। इससे उनकी काफी किरकिरी हुई थी। उसके अगले साल ही कामुदिनी में 20 साल की एक कॉलेज छात्रा के साथ 8 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। आरोप है कि इस पूरे मामले की जांच इतनी ढीली तरीके से चलती गई कि अभियुक्तों को मामूली सजा ही मिल सकी। बीते साल कामदुनी मामले ने इस समय पर सुर्खियां बटोरी जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा माफ कर दी थी। उस फैसले के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया था।
कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ममता हर बार ऐसी चुनौतियों और अपने खिलाफ उठने वाले राजनीतिक तूफान से निपटने में कामयाब रही हैं, लेकिन इस घटना ने उनकी पुलिस सरकार की पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। सीपीएम भाजपा पहले दिन से ही इस मुद्दे पर सरकार और पुलिस के खिलाफ आक्रामक है। जिस रात हजारों महिलाएं सड़क पर उतरी थी, उसी रात सीपीएम की युवा और छात्र शाखा ने भी आरजे कर अस्पताल समेत पूरे राज्य में कई स्थानों पर अलग से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। भाजपा भी सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अस्पताल पर हमले के मामले में ममता ने भले राम और वाम को जिम्मेदार ठहराया हो, विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि ममता ने ही टीएमसी के गुंडों से अस्पताल का हमला कराया था। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कलकत्ता को पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पुलिस आयुक्त को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी ने शुक्रवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप कर दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुकांत मजूमदार को हिरासत में ले लिया था। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा दिए। प्रदेश कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनका कहना था कि हैरानी इस बात की है कि घटना के बाद भी लीपापोती कर दोषियों को बचाने की नाकाम कोशिश हो रही है। शुरू से ही परिवार को गलत सूचना दी जाती रही है। इस पूरे मामले की जांच करी सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक निजी समाचार चैनल को बताया कि ममता बनर्जी की मांग के मुताबिक रविवार तक इस मामले की जांच पूरी करना संभव ही नहीं है। हमें कई पहलुओं की जांच करनी है। तमाम दस्तावेजों की जांच के अलावा दर्जनों लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में लंबा समय लग सकता है। दूसरी ओर सीबीआई ने शुक्रवार को आरजीकेगढ़ मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी लंबी पूछताछ की। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर जिस विभाग में काम कर रही थी उसके विभागाध्यक्ष समेत 2 लोगों से भी पूछताछ की गई। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अभी दर्जनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। उधर अस्पताल पर हमले के मामले में पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनमें इस महिला भी शामिल है। सियासी पंडित कहते हैं कि ममता बनर्जी पहले के कई मामलों की तरह इस बार भी अपनी सरकार को भंवर से बचाने में कामयाब रहेगी या नहीं, इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो महिला वोट बैंक को अटूट रखने की कड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। यूं तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार 4था सबसे आम अपराध हो चुका है। एनसीआरबी के 2021 के एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, या प्रतिदिन औसतन 86 मामले हैं। 2020 में 28,000 मामलों में वृद्धि हुई, जबकि 2019 में 32,000 मामले दर्ज किए गए थे। यानी देश में हर घंटे 4 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में बढ़ रहे रेप के मामलों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। लेकिन अगर न्याय की बात की जाए तो हर 10 मामलों में सिर्फ 3 मामलों का निपटारा होता है। वहीं अगर मामला आदिवासी क्षेत्र का हो तो 100 में से 15% मामलों में न्याय मिलने की गुंजाइश रहती है। एक रिसर्च में पाया गया, ज्यादातर यौन उत्पीड़न महिलाएं किसी से अपने साथ हुए उत्पीड़न का जिक्र करने से बचती हैं और अपने घर वालों से भी नहीं बताती। कई मामलों में परिवार के ही सदस्य बदनामी के डर से कोई मामला दर्ज नहीं कराते। अब आइए जानते हैं बलात्कार को लेकर दुनिया भर में कैसे कानून है। देखिए, देश में पिछले 2 से 3 दशकों में अन्य अपराधों की तुलना में रेप की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इनसे जुड़े दोषियों को सजा देने के मामले में हम सबसे पीछे रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो कुछ देश ऐसे हैं जहां बलात्कार के दोषियों को 24 घंटे के अंदर अंदर सजाए मौत दे दी जाती है। अरब के देशों में हर अपराध के लिए कुछ अलग अलग सजाएं हैं, लेकिन बलात्कारी को सीधे मौत की सजा दी जाती है। यूएई के कानून के मुताबिक यदि किसी ने सेक्स से जुड़ा अपराध किया है तो उसे 7 दिनों के अंदर ही फांसी दे दी जाती है। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया को मान्यता दी गई है। इस देश में किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा का ही प्रावधान है। अगर कोई भी शख्स रेप का दोषी पाया जाता है तो अपराधी को फांसी पर टांगने, सिर कलम करने के साथ साथ उसके यौनांगों को काटने की सजा सुनाई दी जाती है। वह इराक में बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन सजा देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। रेप के गुनहगार को तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। बलात्कार जैसे जुर्म करने वालों की मौत आसान नहीं होती, क्योंकि गुनहगार पूरी पीड़ा और यात्रा से भी गुजरना पड़ता है। पोलैंड में बलात्कार के आरोपी को सुअरों से कटवाया जाता है। हालांकि अब एक नया कानून आ चुका है जिसमें आरोपी को नपुंसक बना दिया जाता है। इंडोनेशिया में बलात्कार करने वालों को भी अलग ही सजा मिलती है। यहाँ बलात्कार के आरोपी को नपुंसक बनाने के साथ ही साथ उसमें महिलाओं के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं। चीन उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां रेप के विशेष मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। यहां पर अब तक रेप की सजा में कई लोगों को मौत के घाट उतारा भी जा चुका है। चीन में जुर्म की सजा जल्द से जल्द दे दी जाती है। साफ शब्दों में कहें तो नो ट्रायल मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद मृत्यु दंड। कई बार फांसी के बाद पता चलता है कि जिसे सजा दी गई उसने कोई गुनाह ही नहीं किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। हम कल मिलेंगे किसी और प्रकरण के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।